नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, मैं निसार सोहेल टीवी N7 न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार। अस्सलामुअलैकुम, मैं डॉक्टर एम ए रऊफ हूँ। यहाँ पे आज हम लोग आराम घर फिजिकल ओल्ड एज होम में है यहाँ पे, जिसको रोड़ा मिस्त्री मैडम ने कायम किया था, जो मदर टेरेसा के अवार्ड से नवाजी गई थी उनकी अपनी ज़िंदगी में। उनकी खिदमत को देखते हुए यहाँ पे आज ये ओल्ड एज होम तकरीबन 16 एकड़ पे कायम है। लेकिन हम लोग अक्सर यहाँ पर आया करते हैं हमारी अपनी औकात जानने के लिए, यानी कि हम बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन दुनिया में ऐसे भी इंसान हैं जिसके सब हर कोई है, माँ बाप है, किसी के भाई बहन हैं, किसी के बीवी बच्चे हैं, या किसी के शौहर और भी खानदान अफराद ख़ानदान मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे ला करके उनको खस्ता हालत में छोड़ दिया गया है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ पे जो बिल्कुल माजूर हैं, कहीं रोड पे मिल गए, पुलिस वाले उनको उठा करके ला के यहाँ पे दाखिला दिए हैं। और मज़ीद मालूमात और आगे बात जो है हमारे मेराज मैडम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं मेराज खान, यहाँ पर सारी टीम के साथ हम लोग यहाँ पर आए हैं। ये ओल्ड एज होम के साथ साथ यंग पीपल्स भी हैं यहाँ पर, और हैंडीक्राफ्ट हैं, और थोड़े ब्लाइंड भी हैं, और थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब लोग भी हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमको काफ़ी टाइम से हमारे पास बात आ रही थी, ये लोग सर्वे कर रहे थे। और दूसरा चीज़ ये कि लेडीज़ की तादाद ज़्यादा है यहाँ पर, जेंट्स कम है। मगर जिस हालत में हम लेडीज़ को दे रहे आज जो देखे हम, शायद ही सादा आँख से देखें तो सिवाय आंसू के और कुछ नहीं आए। और रही बात, ये लोग इतनी तकलीफ़ में हैं कि उनको उनका मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से देख रहे हैं, खाने पीने का, नीटनेस का, वो थोड़ा अपने को ख्याल रखना है। और रही बात जो काफ़ी लोग जो बात की हूँ मैं आज, जिनकी फैमिली है, तो ये शर्म की बात है हमारे लिए कि ख़ानदान के लोग होके यहाँ पर इस तरह छोड़ के जाना, ये हमारे लिए बेहतर बात नहीं है, बदतर बात है ये। तो रही बात जो जिसको पेरेंट्स नहीं है, जो सिंगल है, कोई देख पुरसाने हाल नहीं है, वो आके रह सकता है, वो बेटर देन, वो उसको हम कुछ भी कर सकते हैं। और इनकी बीमारियां, और रही बात सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ का माहौल, इन्हें ताज़ा हवा मिल रही है, इसीलिए इनसे बीमारियां काफ़ी दूर हैं। और रही बात साफ नीटनेस के लिए बता रही हूँ मैं, साफ़ सुथरे रहने के लिए, जो आप ख़ुद अपनी आँखों से देख सकते हैं, ये बच्चे सारे पिक्चराइज किए हैं। और एक मोहतरमा एक लेडी हैं जो वो इन सबको केयर कर रही है, तो ये छोटी नहीं बहुत बहुत बड़ी बात है। हम एक घर के लिए करने के लिए सुबह से शाम तक 10 टाइम लेते हैं, आधा घंटा करते बैठते, 10 मिनट करते बैठते, ये जो सुबह मॉर्निंग आती है शाम तक एक घंटा ब्रेक लेती है, तो इसको सिर्फ 3,500 रुपये सैलरी मिल रही है, जो कि कम से कम 50 से ज़्यादा औरतें हैं वहाँ पर। उन सब के लिए खाने का, अच्छे का बुरे का, नीटनेस का, जिसको नहलाना है नहला रही है वो, जिसको खिलाना है खिला रही है, वो देख रही है। तो वहाँ पर हमको बहुत अफसोस हो रहा है। तो साफ़ सफाई के लिए, इसके लिए, खाने के लिए आ रहा है। और मेरी एक आप लोगों से, तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, थोड़ा अटैच होएगा, इनको मेडिकल की काफ़ी ज़रूरत है। और दूसरा कपड़े वगैरह ला के दे रहे करें ये नहीं, इससे बेहतर है अच्छा फूड दें इनको, अच्छा खाना दें, और मेडिकल, हाँ। और रही बात, हर एक इंसान का बनता है वक्त कि एक 10 मिनट आधा घंटा आकर इनके साथ स्पेंड करें। तो देखिए ये लोग जो खुश हो रहे हैं, 24 घंटे में अपने पास एक आधा घंटा तो अपने आम इंसान के लिए निकलेगा। हम दोस्तों में उड़ाते हैं, पार्टियों में, किटी पार्टी में जाते हैं, वट एवर, जो भी पार्क में जाते हैं फैमिलीज के साथ, उससे हटके हम यहाँ पर जो ज़हनी सुकून मिल रहा है, दीन और दुनिया दोनों के लिए भी हमारे लिए बेहतर है ये। तो ये मेरी एक आप लोगों से गुजारिश है, ज़रा एक नज़र यहाँ पर आके देखिएगा, हमसे जो बन पड़ता है हम लोग करेंगे। हमारी काफ़ी टीम साथ में है, और काफ़ी लोग अटैच हो रहे हो चुके हैं और हो भी रहे हैं। जब जब इन्हें ज़रूरत रहेगी, जो यहाँ के MD साहब हैं, जो जो भी लोग हैं, स्टाफ के लोग हैं, काफ़ी लोगों से बातचीत हुई हमारी, हम इसको आगे बढ़ाएंगे और अच्छे से अच्छा करेंगे, क्योंकि दुनिया में जब तक सांस है इनको जीना है। और रही बात जब जब तक उस तक उनको खाने का, रहने का, हर वो चीज़ का इनके साथ इस्तेमाल करना, रहना, उठना बैठना, ये सब चीज़ों से बास ऐसे लोग हैं जो जानते नहीं हैं, मेंटली डिस्टर्ब हैं। तो हमें उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे तो शायद ही वो लोग थोड़ा चेंज होंगे, थोड़ा उनको खाने पीने में, हर वो चीज़ में
پورا ان کو سلیقہ بتائیں گے, وہ اکیلی عورت اتنا کرے گی ممکن نہیں ہے یہ. اور دوسری چیز ہے کہ اور جینٹس میں بھی ہیں ہمارے بھائی صاحب گنیش صاحب, مہاویر صاحب ہیں, اور ایک بھائی صاحب کا ہے اور ایک ستنا نارائن. آپ کا نام بھائی؟ رحمت خان صاحب جینٹس میں ہیں. ان سے بھی مل کر بے حد خوشی ہوئی ہے, یہ لوگ خدمت کر رہے ہیں, چھوٹی بات نہیں ہے, بہت بڑی بات اور فخر کی بات ہے ہمارے لیے. ہم اپنے خاندان میں آپس میں ایک آدمی بیمار رہا تو چار جنے پوچھتے ہیں سکتے, ہم لوگ ایک دیکھتا ہے دوسرا انجان. یہ لا کے یہاں جو چھوڑ رہے ہیں, کافی عورتیں بتائی ہیں کہ چھوڑے ہیں, تو یہ بدتر بات ہے ہمارے لیے. تو ٹھیک ہے چھوڑ دیے, ان کی قسمت ان کے نصیب, مگر جب تک ان کی سانس ہے آس ہے ہمیں دیکھنا ہے, کیئر کرنا ہے. ہم سے جتنے لوگ جڑ سکتے ہیں جڑیے گا, اچھا برا دکھ سکھ سب کو لگا ہوا ہے. اگر ہم یہ کریں تو ہماری آخرت اچھی ہوگی, بس دنیا تو اچھی سب کے لیے ہے. اب ان کی دنیا کو ہم اپنی نظروں سے جب دیکھ رہے ہیں تو صرف آنسو آ رہے ہیں اور کچھ نہیں. بہتر ہے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ اٹیچ ہوئے گا, ہم نیکسٹ ٹرپ کریں گے انشاءاللہ تعالی. میرے ساتھ امتیاز صاحب بھی ہیں اور مظفر بھائی ہیں ہمارے ساتھ, سب لوگ بھائی صاحب آپ سلیم.